हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर मैं इसका पार्ट टू लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको समझा पाऊँ। तो चलते हैं, पहले जो है एक बार फिर से जो इसके राउंड्स हैं उस पर नज़र मार लेते हैं और इसके रिवॉर्ड्स तो जो है देख कर ही तबीयत खुश हो जाती है। फर्स्ट रिवॉर्ड $10,000 का, सेकेंड इज़ $5,000, थर्ड इज़ $2,000। ठीक है, उसके साथ में जो रिवॉर्ड्स हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ओके, पार्ट वन जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाएगी और ऊपर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, कंपटीशन शेड्यूल में लिखा है, पहला जो है साइन अप है, जो भी साइन अप रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो 7 तारीख तक है, 7 जुलाई तक। फिर 7 जुलाई से ही 8 जुलाई तक जो है रिकमेंडेड बाय कैप्टन है, जो दोनों चीजों के बारे में मैं आपको फर्स्ट पार्ट में जो है बता चुकी हूं कि कैप्टन किस तरीके से जो है रिकमेंड कर सकते हैं और उसके लिए फैमिली को एलिजिबिलिटी क्या है फैमिली की, वो चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। ओके, अब नाउ थर्ड वन इज एंड 256। ठीक है, ये जो राउंड है वो दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी कंटेस्टेंट रहेंगे उसमें से 256 लोगों को निकाला जाएगा। ठीक है, और ये जो राउंड है वो चलेगा कब से, ये 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, अब ये जो है, ये राउंड होने के बाद ये जो 256 कंटेस्टेंट आएंगे उनमें से 64 को सेलेक्ट किया जाएगा और ये जो राउंड है ये 14 जुलाई से 19 जुलाई तक लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये 64 जो है इनमें से भी 16 को सेलेक्ट किया जाएगा और ये होगा 19 जुलाई से 24 जुलाई तक। ठीक है, अब ये 16 में से जो है 4 को जो है सेलेक्ट किया जाएगा और ये होगा 24 जुलाई से 27 जुलाई तक। फिर ये जो फाइनल 4 हैं ये 27 जुलाई से 30 जुलाई तक जो है ये फाइनल 4 राउंड चलेगा। ठीक है, और फिर इसके आगे जो है ये थर्ड प्लेस प्ले ऑफ है ना, मतलब थर्ड प्लेस हटाना और उसके बाद जो है फाइनल्स, तो ये जो है पूरा 1 अगस्त तक जाएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, एक एक स्टेप को जो है समझना ज़रूरी है। पर मैं कहती हूँ कि पहले जो है एटलीस्ट 16 तक भी आप पहले आ जाएं, तो उसके बाद का सफ़र जो है भले ही डिफिकल्ट हो जाए बट यहाँ तक का सफ़र जो तय करना है वो कैसे क्या होगा वो हर चीज़ समझिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर और वहाँ कुछ बताना चाहती हूँ, वहाँ बता देती हूँ। ओके, तो ये रिवॉर्ड्स तो जो है मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अब वोटिंग रिवॉर्ड्स है, वोटिंग रिवॉर्ड्स जो है मैंने आपको बताया था कि आप वोट भी कर रहे हैं तो भी जो है आपको जो है रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो आपके वोटिंग रिवॉर्ड्स आपको किस तरीके से मिलेंगे, जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, वो सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा है ना। और स्पीड में तो मैं वैसे ही रखती हूँ अपने वीडियोज़ को, तो और ज़्यादा स्पीड में सुनेंगे तो मेरी आवाज़ में कुछ का कुछ सुनाई देगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से सुनिएगा। चलिए, इन द एंड 256 जो राउंड है, या 256 से 64 या 64 से 16 वाली जो स्टेजेस हैं, ऑल यूजर्स कैन वोट फॉर द कंटेस्टेंट वर्क। ठीक है, तो इसमें सारे यूजर्स जो है कंटेस्टेंट के जो वर्क रहेंगे उनको जो है आप वोट कर सकते हैं। तो वोट सबको करना है सबसे पहली बात, क्योंकि आपको वोटिंग रिवॉर्ड भी दे रहे हैं स्टार मेकर, और क्या लेंगे भाई। ठीक है, तो वोट सबको करना है। अब वोट इसमें मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि इसमें मुझे बहुत जेन्युइनिटी नज़र आ रही है स्टार मेकर की, तो वो क्यों मैंने कहा था वो सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा उन चीज़ों को। और यदि वाकई ये चीज़ें फॉलो होती हैं तो डेफिनेटली जो है कुछ फेयर रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, आप ध्यान दीजिए, इफ़ योर चॉइस मैचेस द रिजल्ट इट इज़ कंसीडर्ड अ करेक्ट वोट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वोटेड इन सपोर्ट ऑफ अ कंटेस्टेंट वर्क ड्यूरिंग द N256 स्टेज एंड इफ देयर आर मोर पीपल वोटिंग इन सपोर्ट ऑफ दैट कंटेस्टेंट, योर वोट इज काउंटेड एज करेक्ट। इफ द नंबर ऑफ सपोर्ट एंड नॉन सपोर्ट वोट्स आर द सेम, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट। क्या कहा उसने, उसने कहा कि आपने मान लीजिए, अब क्या होता है, आया है अभी तक, अभी हम देखते आए हैं बड़ी बड़ी इवेंट्स में या सुपरनोवा वाली इवेंट में ही हम देखते आए हैं कि भाई एक ही को दिए जा रहे हैं, या तो वो बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बड़ी फैमिली के कैप्टन्स हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो चला आ रहा है बहुत टाइम से, बस लगे लगे लोग वोट दिए जा रहे हैं, वो मांगे जा रहे हैं और लोग वोट दिए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें कि आँख बंद करके आप किसी को भी वोट दे रहे हैं, ना आपने सिंगिंग सुनी ना कुछ, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़राब लगती हैं और इसका विरोध मैंने खुल के किया था अपने वीडियोज़ में, और जिसको लेकर जो है काफ़ी बवाल भी हुआ था, कई कंटेस्टेंट को जो है बुरा लगा था, बट बुरा लगने वाली बात है नहीं, जो सच्चाई है वो सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज़ जो स्टार मेकर ने डाली है वो बहुत अच्छी डाली है कि उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं वोट दे रही हूँ है ना, अब 100 लोग वोट दे रहे हैं, अब 100 लोगों में से 70 लोगों की राय है कि भाई ये अच्छा गाता है, उसने सुना, 100 लोगों ने सुना, उसमें से 70 लोग कह रहे हैं एक व्यक्ति के लिए कि ये ज़्यादा अच्छा गा रहा है या गा रही हैं। ठीक है, और 30 लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये अच्छा गा रहे हैं, तो
एक बात तो बिल्कुल तय है कि यदि 100 लोगों में से 70 लोग कह रहे हैं कि ये वाला बंदा या बंदी अच्छा गा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है उसमें कुछ स्पार्क होगा। तो अब ये है कि आपका वोट यदि उन 70s के साथ में है तो आपका वोट करेक्ट वोट माना जाएगा, और यदि आपका एक किसी के भी आपको किसी ने पैसा खिलाया, किसी ने आपको गोल्ड कॉइन्स दिए या जो भी फेवर किया और उसके चक्कर में आपने उन्हें वोट दिया, तो आपका जो वोट है वो करेक्ट वोट में नहीं किया जाएगा, है ना। और अब करेक्ट वोट होने से आपको क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगी। अच्छा, नीचे वाली पॉइंट को और क्लियर करती हूँ। इफ द नंबर ऑफ सपोर्ट एंड नॉन सपोर्ट वोट्स आर द सेम, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट वोट, है ना। अब देखिए, यदि मान लीजिए 100 लोगों ने वोट किया है, उसमें से 50 लोगों ने इसको दिया है, 50 लोगों ने इसको दिया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दोनों की सिंगिंग बेहतर हो, है ना, तो ये चांसेस भी हैं। तो यदि ऐसा होगा तो आपका वोट करेक्ट ही माना जाएगा, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, है ना। तो ये सिर्फ 50-50 पर भी अलाउड नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से जैसे 55-50 भी होता है तो ये ऑलमोस्ट चलता है कि 5 ने इधर भी दिया तो ये चीज़ उस पर भी फॉलो होगी। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये चीज़ जो लाया है स्टार्मेकर दी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्मेकर ने इंक्लूड करी हैं। फॉर ईच करेक्ट वोट यू कैन अर्न 1 appreciator point. अब यदि आपने करेक्ट वोट दिया है तो आपको एक appreciator point मिलेगा, ठीक है। अब when the number of correct votes reaches a certain number, you can also receive bonus rewards. अच्छा, अब ये जो करेक्ट वोट जो आप दे रहे हैं वो एक सर्टन नंबर तक यदि पहुंच जाता है तो आपको जो है उसके बदले में जो है बोनस रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और द स्पेसिफिक रूल्स आर एज फॉलोज, और उसके जो रूल्स हैं वो नीचे हैं। You can appreciate points to exchange for free votes and various free gifts in the exchange store. अभी मैंने आपको जो gifts दिखाए ना, वो I think exchange store में भी आएंगे, ठीक है। वो exchange store में आपको दिखाई देंगे, और वो exchange store कब आएगी, जब ये start हो जाएगी event तब आएगी। तो don't worry about that, अभी आप सुनिए समझिए। आप ये जो appreciate points हैं उसको या तो free votes में convert कर पाएंगे, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मुझे free gifts मिल जाए तो आप free gifts में भी exchange कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप फ्री वोट्स में एक्सचेंज करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा कि फ्री वोट्स कैन बी यूज टू इंक्रीज द पॉपुलैरिटी पॉइंट्स फॉर योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन द राउंड्स आफ्टर द फाइनल 16। और यदि आप चाहते हैं कि भाई आपका जो कंटेस्टेंट है उसमें बहुत दम है और आप चाहते हैं कि भाई ये तो फाइनल तक जाने वाला है और इसको फाइनल में जाके मुझे सपोर्ट करना है, तो भाई आप, मैं कहूंगी आप गिफ्ट्स का लालच ना करें, गिफ्ट्स तो आपको और भी इवेंट में मिल जाते हैं, तो आप फ्री वोट्स को सेलेक्ट कीजिए। तो ये जो आपके फ्री वोट्स रहेंगे वो आपके बैगेज में रहेंगे, और जो फाइनल में आपका जो कंटेस्टेंट है वो पहुंच जाता है लास्ट 4 में या उधर, तो आप इन गिफ्ट्स को जब वो जो वोटिंग वाले जो वोट आपको मिलेंगे वो जब आप देते हैं अपने फाइनल कंटेस्टेंट को, अपने जो लविंग कंटेस्टेंट है उनको, तो डेफिनेटली वो जो है उनको पॉपुलैरिटी पॉइंट्स के रूप में मिलेंगे जो उनको ऊपर लेकर जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। तो इस बार जो है अपने लालच से उठकर ऊपर काम करें फॉर द सिंगिंग लेवल, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल 16 स्टेज यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू अर्न एप्रिशिएटर पॉइंट्स। देखिए, उन्होंने बोला कि जब फाइनल 16 स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 16 में से जब 4 सेलेक्ट करेंगे आई थॉट, तो जब फिर उसके बाद जो है आपको एप्रिशिएटर पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। तभी तक एप्रिशिएटर पॉइंट है, तो जितने भी आपको उठाना है एप्रिशिएटर पॉइंट तभी उठा लीजिएगा, है ना। अभी स्टार्ट जैसे ही हो तो सब लोग लग जाइएगा वोट करने में, ठीक है। तो आपका भी बेनिफिट है और सामने वाले का भी बेनिफिट है, और ध्यान से सुनना भी अब जरूरी है क्योंकि करेक्ट आप वोट लाएंगे तभी तो एप्रिशिएटर पॉइंट मिलेगा। तो है ना, स्टार मेकर का एकदम धमाल वाला मतलब बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, मुझे मतलब दिल खुश कर दिया स्टार मेकर ने। अब ध्यान दीजिए, करेक्ट वोट यदि आपका एक करेक्ट वोट होता है बोनस पॉइंट नहीं है, और बोनस प्राइस जो है इसमें एक्स नोट लिखा हुआ है, एक्स नोट वो आई थिंक वो एक गिफ्ट होता है छोटा वाला स्टार वाला, ठीक है। और करेक्ट वोट्स यदि 5 होते हैं तो आपको 50 बोनस पॉइंट मिलेंगे और आपको 800 सुपरनोवा एक्स वोट मिलेंगे, वाओ, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, ठीक। अब नीचे देखिए, एक नोट लिखा हुआ है, आफ्टर द कॉम्पिटिशन स्टार्ट यू कैन फाइंड द एक्सचेंज स्टोर एंड यूज योर पॉइंट्स बाय नेविगेटिंग टू माई वोटिंग इन्फॉर्मेशन माई रिवॉर्ड्स एक्सचेंज स्टोर ऑन द इवेंट पेज, है ना। तो जब कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा तो इवेंट पेज में जाके आप माय वोटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, फिर उसमें से माय रिवॉर्ड्स पे जाएंगे, फिर एक्सचेंज स्टोर पर जाएंगे और अपना जो है अप्रिशिएट पॉइंट है, आप चाहे तो उन्हें वोट्स में कन्वर्ट कर लें, आप चाहे तो उन्हें गिफ्ट्स में कन्वर्ट कर लें। गॉट इट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप वोटिंग रिवॉर्ड्स की तरफ से चलते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो टाइप के रूल जो है पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ, है ना। एक ही फ्री रजिस्ट्रेशन रूल्स और कैप्टन रिकमेंडेशन रूल्स मैं समझा चुकी हूँ, तो वो चीज़ जो है आपने नहीं देखी हो तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एंड 256 रूल्स मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। एंड 256 रूल्स में है, ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन पीरियड ईच वर्क विल बी शोन टू 100 पब्लिक एप्रिशिएटर्स हु कैन चूज ईदर टू सपोर्ट और नॉट टू सपोर्ट द वर्क। एट द एंड ऑफ द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन फेज द टॉप 256 contestants with the highest support rates will advance to the next round. जो मैंने आपको समझाया कि जैसे जो preliminary मतलब starting वाला जो competition period है उसमें जो है each work को 100 public appreciator को दिखाया जाएगा, है ना। मतलब ये आपको एक example दिया जा रहा है, set an example, हर व्यक्ति को जो है vote करने का अधिकार है। आपको समझाया जा रहा है कि 100 public appreciators को पहले दिखाया गया, है ना। अब उसमें से क्या होगा, कोई support करेगा, कोई नहीं support करेगा उस work को, ठीक है। तो at the end of the preliminary competition phase the top 256 contestant, मतलब वो सारे जो वर्क हैं वो
टॉप 256 कंटेस्टेंट जो होंगे और उनको निकाला जाएगा उसमें से, है ना। और वो कैसे निकाला जाएगा, हाईएस्ट सपोर्ट रेट्स विल बी एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड। तो ये सपोर्ट रेट क्या बोला है, तो ये जो है स्टार मेकर का एक और ट्विस्ट है जो भी बहुत अच्छा वाला है। सपोर्ट रेट का मतलब, यदि आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स या फिजिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट रेट क्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट्स ऑब्लिक मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सपोर्ट्स प्लस नंबर ऑफ नॉन सपोर्ट्स। मतलब रेट, कोई किसी भी चीज़ का रेट कैसे निकाला जाता है कि मान लीजिए हम 10 लोगों को लेते हैं, तो 10 लोगों में से मान लीजिए 4 लोगों ने सपोर्ट किया। अब वोटिंग मतलब दिखाया कितने लोगों को गया था, 10 लोगों को दिखाया गया था, और उनमें से सपोर्ट कितने लोगों ने किया, 4 लोगों ने किया। तो इसका सपोर्ट रेट कैसे निकलेगा, 4/10, दैट इज 0.4, ठीक है। तो आप समझ गए, तो इस सपोर्ट रेट के अकॉर्डिंग जो है जो ये जो 256 कंटेस्टेंट है ये सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें जो है और ज़्यादा लॉयल्टी आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये देखा जाएगा कि इतने ज़्यादा सपोर्टर्स थे और उसमें से इतने लोगों ने सपोर्ट किया है, तो वो रेट जो निकलेगा वो और ज़्यादा कहते हैं कि हम और ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो इफ़ टू कंटेस्टेंट हैव द सेम सपोर्ट रेट, अब ये भी होगा कि भाई दो लोगों को एक जैसा सपोर्ट रेट मिल गया तो कैसे डिसाइड होगा, द रैंकिंग विल बी डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन डेटा ऑफ द वर्क विच इज़ कैलकुलेटेड दिस वे, है ना। अब उसमें क्या देखा जाएगा, यदि दो लोगों को सेम मिलता है तो उनका इंट्रैक्शन डेटा देखा जाएगा, वो कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ लिसन्स इंटू 0.5 प्लस नंबर ऑफ लाइक्स इंटू 10, है ना। अब मान लीजिए जो दो लोगों को जो है सेम सपोर्ट रेट मिल गया, अब उनका इंट्रैक्शन डेटा में कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि भाई उस सॉन्ग को कितने लोगों ने सुना। मान लीजिए 1000 लोगों ने सुना, तो 1000 को 0.5 मतलब 1000 प्ले मिले उसको, तो 1000 इंटू 0.5 किया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, तो वो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ लाइक्स मान लीजिए वो जैसे ही जो फ्रॉड किया जाता है ना कि नंबर ऑफ प्लेज बढ़ गए, ये हो गया। अब लाइक्स जो है, लाइक्स बढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, बहुत रेयर लोग होंगे जो यहाँ लाइक्स की कोई ट्रिक जानते हैं, है ना। अभी तक स्टार मेकर ने काफ़ी सारी चीज़ें फेल भी कर दी हैं, तो लाइक्स जो है फिर भी जेन्युइन माना जाता है। आप ग्रुप्स में हैं, उसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है लाइक्स लेने के लिए, तो मैं मानती हूँ कि वो भी जेन्युइन ही है। इतना आप मेहनत कर रहे हैं, इतने ग्रुप्स में लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी मेहनत है, तो आप कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो नंबर ऑफ लाइक्स इंटू 10, और ये तो जो है आपको किसी ग्रुप में शेयर करने नहीं दिया जाएगा, ये जो है वह जेन्युइनली स्टार मेकर जैसे देगा उस अकॉर्डिंग होगा। उसमें भी बहुत अच्छा ट्विस्ट है, वो भी बताती हूँ, पर पहले ये सुन लीजिए। आपके जितने लोगों ने प्ले किया है 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको जितने लोगों ने लाइक किया है, मान लीजिए 200 लोगों ने आपको लाइक कर दिया 1000 में से, है ना, तो 200 इनटू 10 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो आपके लाइक्स जो है बहुत वैल्यूएबल हैं, आपको 2000 प्लस 500 मिलेगा, है ना। अब किसी का नंबर ऑफ लाइक्स कम हुए मतलब उसके सॉन्ग में दम नहीं है, बस प्ले ही प्ले हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए उसके 2000 प्ले भी हो गए, तो भी इसको इंटू 0.5 करेंगे, ठीक है, इंटू 0.5 करेंगे, उससे जो है कम रेट निकलेगा उसका। और नंबर ऑफ लाइक्स मान लीजिए उसके 100 ही हैं, ठीक है, तो 100 इंटू 10,000 ही होगा। तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ लाइक्स जिसके ज़्यादा होंगे, मतलब जिसका सॉन्ग अच्छा है, वाकई सुनने में अच्छा है, तो उसको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारा अपडेट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ करी है स्टार मेकर ने, एकदम बेमिसाल। टू इंश्योर द फेयरनेस ऑफ द कॉम्पिटिशन वी विल अडॉप्ट अ मास्ट वोटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन पीरियड। ये एक और बहुत अच्छा ट्विस्ट स्टार मेकर की तरफ से, कि भाई क्या होता है, चेहरा देख देख के लोग वोट करते हैं, फैमिली देखकर वोट करते हैं, बाद में कुछ फायदा हो जाएगा, ये पहले ही फायदे दे दिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। यदि जो है स्टार मेकर इसमें जो है पूरा लॉयल्टी से चलता है और कुछ अंदर वाला कोई घपला नहीं होता है, तो आई थिंक सो इट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल अपडेट। उसने कहा दैट मीन्स बिफोर द पब्लिक अप्रिशिएटर्स चूज वेदर टू सपोर्ट और नॉट टू सपोर्ट अ सिंगर, दे आर अनेबल सी द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंटेस्टेंट। मतलब ये जो है एक इवेंट पेज पर सारे सॉन्ग्स वगैरह डाल दिए जाएंगे, और जब तक आप उसको सपोर्ट करना है या नहीं सपोर्ट करना है, आप उसको क्लिक नहीं कर देते, तब तक आप उस बंदे की या बंदी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, है ना। एंड ऑल वर्क्स विल बी डिस्प्लेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन टेम्पलेट, और जो पूरा वर्क, जो भी जितने भी वर्क हैं, वो दिखाए जाएंगे एक स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन टेम्पलेट में ही दिखाए जाएंगे। एक टेम्पलेट फिक्स किया जाएगा, उसी में ही दिखाए जाएंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इट्स ब्यूटिफुल, ठीक है। अब आगे देखिए, फिफ्थ वाला जो है, कंटेस्टेंट आर नॉट अलाउड टू वोट ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन पीरियड। जो कंटेस्टेंट है वो पार्ट नहीं कर पाएंगे प्रिलिमिनरी पीरियड में, तो ये भी जो है बहुत फेयर है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए 256 से 64 वाले रूल्स पे आती हूँ, अब थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो 256 कंटेस्टेंट निकले हैं, है ना, वो नॉकआउट स्टेज में जाएंगे 64 निकलने के लिए उसमें से, ठीक है। और जो रिजल्ट, अच्छा इसमें एक खास बात है, वो चीज़ बता दे रही हूँ। अब ये जो 256 कंटेस्टेंट है जो 64 नॉकआउट राउंड में जाएंगे,
तो जो नॉकआउट स्टेज मतलब जो ये वाला राउंड है 256 वाला और नॉकआउट स्टेज के बीच में जो रिजल्ट डिक्लेरेशन पीरियड रहेगा उसी बीच जो है आपको क्या कर देना है, आपको वो कर देना है स्टेज ड्यूरिंग द रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड फॉर द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन, दे कैन नॉट चूज अ वर्क फ्रॉम द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन राउंड। और देखिए आपने जो प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन राउंड में जो अपना सॉन्ग दिया था वो अब नहीं चलेगा, आपको एक नया सॉन्ग जो है पब्लिश करना पड़ेगा और उसी टाइम पीरियड में करना पड़ेगा जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब उस बीच में ही करना पड़ेगा, जो रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड रहेगा उसी बीच में आपको जो है अपना नया सॉन्ग जो है पब्लिश करना पड़ेगा। यदि नहीं किया आपने, फेल हो गए, तो जो है आपको डेडलाइन से पहले नहीं किया तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी, है ना। कोशिश हुई यदि उस टाइम चीज़ें कुछ ऐसी हुई जो समझाने लायक हुई तो डेफिनेटली एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको वो चीज़ भी समझा दूंगी, ठीक है, और अलर्ट रहिएगा इस चीज़ के लिए। इन द नॉकआउट स्टेज द 256 कंटेस्टेंट हु एडवांस फ्रॉम द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन विल बी रेंडमली डिवाइडेड इनटू 32 ग्रुप्स ऑफ 8, है ना। अभी 256 को डिवाइड करेंगे हम 8 से तो 32 ग्रुप्स आएंगे, तो 32 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, 8-8 कंटेस्टेंट उसमें रहेंगे और हर ग्रुप में से दो कंटेस्टेंट को निकाला जाएगा जो आगे जाएंगे, ठीक है। विद इन द सेम ग्रुप देयर विल बी द 2 rounds of 1 versus 1 duels। अब इसमें क्या होगा, जैसे 8 लोग हैं तो उसमें क्या करा जाएगा, 1 versus 1 मतलब एक एक पेयर बना दिया जाएगा, 8 में से 4 पेयर बन गए। द फर्स्ट राउंड लास्ट फॉर 2 days, जो पहला राउंड होगा वो 2 दिन के लिए होगा, है ना। वेयर द 8 कंटेस्टेंट विल बी रेंडमली डिवाइडेड इनटू 4 pairs, ठीक है, 8 कंटेस्टेंट को 4 pairs में डिवाइड किया जाएगा फॉर 1 versus 1 duels, ठीक है, 1 versus 1 duels के लिए किया जाएगा। एंड 4 winners विल एडवांस टू द सेकंड राउंड और उन 8ों में से 4 winners को निकाला जाएगा, ठीक है, और व्हाइल 4 losers विल बी डायरेक्टली एलिमिनेटेड, और जो 4 loser हुए उनको निकाल दिया गया तुरंत, ठीक है। अब द सेकंड राउंड में होगा, सेकंड राउंड भी जो है अगले 2 दिन के लिए चलेगा। वेयर द 4 contestants हु एडवांस फ्रॉम द फर्स्ट राउंड विल बी रेंडमली डिवाइडेड इनटू 2 pairs। अब जो 4 निकले उसके वापस से 2 pairs में डिवाइड किया जाएगा और उनको फिर 1 versus 1 duels दिए जाएंगे, ठीक है। एंड द 2 winners विल एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड, और क्या होगा, फिर से जो है 2 winners निकाले जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, और जो 2 losers रहेंगे उनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज पूरी समझ गए होंगे आप। इफ ईदर साइड फॉरफिट्स इन एनी राउंड द अदर पार्टी विल एडवांस डायरेक्टली। अब मान लीजिए कि कोई सी भी पार्टी ऐसा हुई कि जो भी चीजें रूल्स दिए गए या जो भी चीजें बोली गई हैं वो टाइम पे नहीं हुई, है ना, या कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो अपने आप ही निकल जाएंगे, तो जो बाकी 2 बचे होंगे वो मतलब उनकी बहुत लकी होंगे, वो खुद ही पहुंच जाएंगे एडवांस राउंड में, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बट ऐसा किसी के लिए ना सोचिए, सब लोग कीजिए और एकदम कहना चाहिए ना हेल्दी कंपटीशन रखिए तो मजा आएगा, ठीक है। द नॉकआउट स्टेज विल आल्सो यूज द सेम पब्लिक एप्रिशिएटर, और जिस तरीके से अभी जो पहले मैंने आपको पब्लिक एप्रिशिएटर राउंड बताया, मास वोटिंग बताई, वैसे का वैसा इन सब में चलेगा, ठीक है। तो वही चीज है, इसलिए मैं वापस आपको नहीं समझा रही, इसमें भी सपोर्ट रेट ही आपको सपोर्ट करेगा आगे के लिए, ठीक है। अब इन द राउंड ऑफ 64 stage 64 contestants हु एडवांस फ्रॉम द प्रीवियस राउंड विल बी रेंडमली डिवाइडेड इनटू 8 groups, फिर से इनको 8 groups में डिवाइड किया जाएगा, 8 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, 8 into 64, ठीक है। अब 2 contestants फिर से निकाले जाएंगे, ठीक है, विद इन द सेम ग्रुप देयर 2 rounds 1 versus 1 duels, वैसे के वैसी चीजें हैं जो अभी मैंने आपको समझाई है, उस तरीके से निकालने का पूरा प्रोसेस रहेगा, आप पढ़ सकते हो उसको, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वही सब चीजें लिखी हुई हैं, उसी तरीके का राउंड है, बस आपको ये ध्यान रखना कि इसमें 64 में से 16 निकल जाएंगे, गॉट इट, यहां तक आप समझ गए। अब जो आता है नेक्स्ट राउंड, 16 में से 4 किस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। तो द 16 कंटेस्टेंट हु एडवांस फ्रॉम द प्रीवियस राउंड मस्ट सेलेक्ट देयर वर्क फॉर द 16-4 राउंड, ठीक है। अब जब 16 तक आप आ गए हैं तो ये जो 16 वाले कंटेस्टेंट हैं, अब इनको एडवांस राउंड में जाने के लिए फिर से अपना जो वर्क है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और वही रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड रहेगा जो फॉर द 16-4 राउंड ड्यूरिंग द रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड ऑफ द राउंड 64 राउंड, मतलब वो जो 64 राउंड का जो रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड रहेगा उसी में आपको जो है अपना नया वर्क जो है लेकर आ जाना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दे कैन नॉट चूज वर्क फ्रॉम प्रीवियस राउंड, वो प्रीवियस राउंड में से लिया गया वर्क को नहीं चूज कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा, नया गाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज नहीं हुई तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है पॉइंट। कंटेस्टेंट हु फेल टू सेलेक्ट देयर एंट्री बाय द डेडलाइन विल बी कंसीडर्ड टू हैव फॉरफिटेड एंड विल बी डायरेक्टली एलिमिनेटेड, जो मैंने आपको बताया कि वो फेल जाएंगे और उनको डेडलाइन से पहले आपने नहीं किया या कुछ गड़बड़ घोटाला किया तो डेफिनेटली आपको उसी टाइम एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल 16 राउंड कंटेस्टेंट मस्ट चूज वीडियो वर्क्स, अच्छा अब ये फाइनल 16 राउंड में अभी तक आपके ऑडियो जो है कवर्स है वो चल रहे थे, अब फाइनल 16 राउंड में आपको वीडियो कवर ही बनाने होंगे, ठीक है। कंटेस्टेंट कैन यूज द मास्क इफेक्ट्स इन वीडियोस, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको मास्क इफेक्ट्स लेने हैं वीडियोस के अंदर, इसमें भी जो है वो चाहते हैं कि मतलब प्राइवेसी रखा जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको मास्क इफेक्ट्स लेने हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, मास्क इफेक्ट्स सब जानते होंगे जो वीडियोस बनाते हैं, वीडियो कवर्स बनाते हैं, इसको देखिएगा, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल 16 राउंड द कंपटीशन फॉर्मेट विल चेंज टू अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, अब क्या होगा कि जो फाइनल 16 राउंड से कंपटीशन जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, भाई अब थोड़ा स्टार मेकर भी तो कमाएगा, अभी तक तो उन्होंने आपको यहां तक तो ऊपर ला दिया, वो थोड़ा कमाएगा भी तो इसमें कोई मैं गलत नहीं मानती कि आप कमाना उसका हक बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन पीरियड वेन द ऑडियंस सेंड्स डेजिग्नेटेड गिफ्ट्स टू देयर फेवरेट कंटेस्टेंट,
द कंटेस्टेंट विल गेट पॉपुलरिटी पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द राउंड द फोर कंटेस्टेंट विद द मोस्ट पॉपुलरिटी पॉइंट्स विल एडवांस टू द फाइनल फोर. ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई अब इसमें कॉम्पिटिशन पीरियड में आप ऑडियंस जो है डेजिग्नेटेड गिफ्ट दे सकते हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, और ये जो कंटेस्टेंट है इससे इनको पॉपुलरिटी पॉइंट्स मिलेंगे, और एट द एंड ऑफ द राउंड जिसके पास ज़्यादा पॉपुलरिटी पॉइंट्स होंगे वो जो है फाइनल फोर में जाएगा. अब देर आर फोर टाइप्स ऑफ गिफ्ट दैट कैन हेल्प अ कंटेस्टेंट इंक्रीज देयर पॉपुलरिटी पॉइंट्स. तो ये पहला वोट है जो मैंने आपको समझाया था कि उसको फ्री वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो पहला वोट वाला है वो आप पॉपुलरिटी पॉइंट दे सकते हैं, उसे वन पॉपुलरिटी पॉइंट आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को दे सकते हैं. उसके बाद ये जो गिफ्ट्स हैं आपको गिफ्ट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे हमारे बैगेज में, है ना, बैगेज में मतलब वो जो गिफ्ट बॉक्स होते हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे. यही वाले गिफ्ट्स आपको देने हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को उस टाइम में, है ना, जो ये स्टेज है उस टाइम में, अभी नहीं, अभी देकर वेस्ट मत कीजिएगा, बाद में. ठीक है, गिफ्ट्स टू पॉपुलरिटी पॉइंट्स, और ये जो हार्ट वाला गिफ्ट है वो फाइव पॉपुलरिटी पॉइंट्स देता है, है ना. तो जिस तरीके से कॉइंस होंगे उसी हिसाब से जो है पॉपुलरिटी पॉइंट्स दे रहा होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा ट्विस्ट तो डालना ही था, स्टार मेकर नहीं कमाएगा तो फिर वो रखेगा ही क्यों कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें. ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन पीरियड सेंडिंग डेजिग्नेटेड गिफ्ट्स टू कंटेस्टेंट फ्रॉम एनी पेज विद इन स्टार मेकर विल बूस्ट द कंटेस्टेंट पॉपुलरिटी पॉइंट्स. तो इस पॉइंट से मुझे ये समझ में आता है कि इस कॉम्पिटिशन पीरियड के टाइम, ये जब कॉम्पिटिशन पीरियड चल रहा होगा, तो यदि आप इनमें से कोई गिफ्ट जो भी डेजिग्नेटेड गिफ्ट हैं वो स्टार एनी फ्रॉम एनी पेज विद इन स्टार मेकर, मतलब कई लोग जैसे उनकी चैट में जाके दे रहे हैं, मान लीजिए अब वो सॉन्ग है जिनका है ना, उनके चैट में जाकर दे दिया या उनको सॉन्ग पे ही जाके दे दिया, उसमें नहीं गए इवेंट पेज पे, तो भी जो है उनके उसमें काउंट होगा. ये चीज़ मुझे इसमें समझ में आती है. ठीक है, तो ये रूल्स आप समझ गए होंगे. उसके बाद फाइनल फोर रूल्स में क्या है कि कंटेस्टेंट हुआ है एडवांस टू द फाइनल फोर इन कंट्री मस्ट सेलेक्ट देयर वर्क फॉर द फाइनल फोर. अब वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा वर्क को. ठीक है, पहले वाला यूज नहीं कर सकते. द फॉर्मेट ऑफ द फाइनल फोर रैंकिंग मैच इज कंसिस्टेंट विद द फाइनल 16 राउंड वेयर कंटेस्टेंट अक्यूमुलेट पॉपुलैरिटी पॉइंट्स ड्यूरिंग द कंपटीशन पीरियड. है ना, द फॉर्मेट ऑफ द फाइनल फोर रैंकिंग मैच इज कंसिस्टेंट विद द, मतलब जैसा फाइनल 16 राउंड का है फॉर्मेट उसी तरीके से है. उसके बाद क्या होगा, पॉपुलैरिटी पॉइंट्स को जो है अक्यूमुलेट किया जाएगा. ठीक है, अक्यूमुलेटेड पॉपुलरिटी पॉइंट्स ड्यूरिंग द कंपटीशन पीरियड, जितने भी पॉपुलरिटी पॉइंट्स मिलेंगे उन सबको अक्यूमुलेट किया जाएगा. एट द एंड ऑफ द राउंड द टॉप टू कंटेस्टेंट विल एडवांस टू द फाइनल्स टू कम्पीट फॉर द चैंपियन पोजीशन. ठीक है, दो लड़ेंगे चैंपियन पोजीशन के लिए, वाइल द लास्ट टू विल पार्टिसिपेट इन द थर्ड प्लेस प्ले ऑफ. अच्छा, और क्या होगा, देखो चार में से क्या हुआ, दो तो चले गए ऊपर फर्स्ट सेकंड, और लास्ट दो बचेंगे तो उनको एलिमिनेट नहीं किया जा रहा डायरेक्ट, उनको थर्ड प्लेस के लिए लड़ाया जाएगा, है ना. तो वो दोनों भी कंपीट करेंगे थर्ड प्लेस के लिए, अच्छी बात है. द पॉपुलरिटी पॉइंट्स ऑफ द फाइनल फोर रैंकिंग मैच विल बी accumulated from the start of this round. अच्छा, इस राउंड के स्टार्ट से ही पॉपुलरिटी पॉइंट जितने भी मिलेंगे वो सारे accumulate किए जाएंगे. ये ध्यान दीजिएगा कि वो सारे accumulate होंगे, कि मान लीजिए चार में से दो सेलेक्ट हो गए फर्स्ट सेकंड के लिए, दो सेलेक्ट हो गए जिनको लड़ना है थर्ड के लिए, बट उनको स्टार्टिंग से, इस राउंड के स्टार्टिंग से जितने भी पॉपुलरिटी पॉइंट्स मिले वो एट द एंड जो है उन सबके accumulate होंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा. तो ऊपर आने के चांसेस हैं, सेकंड वाला भी फर्स्ट आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे. ठीक है, द पॉपुलरिटी पॉइंट्स ऑफ द फाइनल फोर रैंकिंग मैच विल बी, ये मैंने बता दिया ना, पॉइंट्स फ्रॉम द, नहीं ये बोल रहा है, पॉपुलरिटी पॉइंट्स ऑफ द फाइनल फोर रैंकिंग मैच विल बी अक्यूमुलेटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस राउंड, पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस राउंड विल नॉट बी कैलकुलेटेड. है ना, इसी राउंड के स्टार्ट से आपको जो है वो कैलकुलेट, मतलब अक्यूमुलेट होगा, बट इसके पहले राउंड में जो पॉपुलरिटी पॉइंट्स मिले थे वो इसमें जाके इंक्लूड नहीं होंगे. तो होप आपको ये सारी चीजें जो है मैं समझा पाई हूं. ठीक है, और फिर ये थर्ड प्लेस प्ले ऑफ है, अब ये जो चीजें और बहुत दूर की तो मैं अभी वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहती हूं. यदि इस प्लेस तक पहुंचते हैं और ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली आप लोग कहेंगे, जो भी पहुंच रहे थे उनको ज़रूरत है कुछ हेल्प की तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी. और इस जो है राउंड को मैं अभी क्लियर नहीं करती हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, और मेरे ख्याल से जो है सफिशिएंट पॉइंट मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं और होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी. अब बहुत ध्यान से बारीकी से सब चीज़ें सुनकर समझकर और काम कीजिएगा. एलिमिनेट होने वाला जो भी चक्कर है उन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. और डेफिनेटली जो स्टार मेकर का ये कदम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है, और होप की जो है पूरी लॉयल्टी से काम होगा. तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, keep singing, keep shining, stay